अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 23। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है और साथ ही बैलेंस शीट को भी। यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्न के आधार पर आय व्यय खाता और उसी तिथि का चिट्ठा भी बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ पर जो प्राप्तियाँ हैं, बैंक में रोकड़, हाथ में रोकड़, चंदा, विनियोग पर ब्याज, विनियोग की लागत, बैंक ब्याज, स्कूटर की बिक्री, वेतन, किराया, प्रिंटिंग और स्टेशनरी यानी मुद्रण तथा लेखन सामग्री, डाक व्यय, साइकिल का क्रय, प्लान बॉन्ड, रोकड़, हाथ में रोकड़, बैंक में लिखा हुआ है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें चंदे में वर्ष 2014-15 का ₹120 शामिल है, किराया में मार्च 2015 का ₹50 चुकता किराया शामिल है, वर्ष 2015-16 के लिए ₹150 अभी वसूल करना है, मार्च 2016 का किराया अभी देना है और लेखन सामग्री का ₹25 आदत्त है। स्कूटर का पुस्तक मूल्य ₹320 था, यानी स्कूटर इनके पास पहले था लेकिन इन्होंने अब स्कूटर ₹250 का बेच दिया है। अब चलिए इसको शुरू करते हैं और इसका बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह कैसे बनेगा। सबसे पहले हम चलते हैं इनकम की ओर। इनकम यहाँ पर लिखा हुआ है ₹3,000 का चंदा, बैंक में रोकड़, हाथ में रोकड़, ये तो आता नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहला आइटम चंदा यानी 22 सब्सक्रिप्शन, ₹3,000 यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ₹200 2016-17 का शामिल है यानी कि ये एडवांस में मिला हुआ है, इसको हम लेस करेंगे यानी लेस करिए, ₹200 एडवांस है ये, इसको हमने लेस कर दिया जो कि आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 120 रुपये का 14-15 का आउटस्टैंडिंग है उसको भी लेस करेंगे यानी दो चीज़ों को हम घटाएंगे, 200 को और ₹120 को। साथ ही ये ₹150 का जो चंदा यहाँ लिखा हुआ है ये अभी वसूल करना है तो इसको हम जोड़ देंगे, कुल चंदे की रकम ₹2,830 हो जाएगी क्योंकि जिस साल का हम बनाते हैं उस साल के बकाए को जोड़ते हैं, लेकिन उससे बकाए के अलावा भी यदि अगले और पिछले साल के चंदे अगर शामिल हैं तो उनको हम घटा देते हैं। इसके बाद दूसरी इनकम है विनियोगों पर ब्याज। यहाँ पर विनियोगों पर ब्याज ₹1,500 का है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1,500 यहाँ लिखेंगे, इसमें बैंक ब्याज, बैंक इंटरेस्ट भी ₹10 का है उसको भी लिखेंगे। इसके बाद सैलरी, सबसे पहला खर्चा नंबर 1 सैलरी ₹3,600 का है, इसको हम टू सैलरीज के नाम से ₹3,600 लिखेंगे। दूसरा खर्चा रेंट है ₹600, रेंट के बारे में यहाँ बोला है ₹50 का चुकता किराया शामिल है, इसका मतलब है कि एक महीने का किराया ₹50 का होता है। फिर इन्होंने कहा कि 2016 का किराया अभी देना बाकी है, इसका मतलब है मार्च का ₹50 अभी बाकी है, इसका मतलब है किराया ₹50 घटेगा और ₹50 जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जो किराया यहाँ पर जो इनका ईयर क्लोज होता है वो 31 मार्च 2016 को क्लोज होता है, तो दो हम यहाँ पर जब ईयर लिखेंगे तो 2015 मैंने लिखा है क्योंकि ये 31 मार्च को ख़त्म होता है तो ये साथ में 16 को भी लपेट रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 15 और 16। अगर इसको नहीं लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2016 डाल दीजिए, वो भी काम कर जाएगा। तो यहाँ पर ₹50 चुकता किराया शामिल है 15 का यानी पिछले साल का है, 16 हमारा 31 मार्च 2016 करेंट ईयर है, तो ₹50 हमारा किराए में देना है और उसी में ही ₹50 अभी पिछले साल का दिया जा चुका है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर प्लस भी और माइनस भी ₹50 होंगे तो ₹600 का रूप जो अमाउंट है वो ₹600 ही रहेगा, ना तो इसमें कुछ घटेगा ना ही बढ़ेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 145 का है, इसमें ₹25 आउटस्टैंडिंग है, इसको हम जोड़ देंगे, ₹145 में ₹25 ₹170 हो जाएगा। इसके बाद पोस्टेज है ₹25 का, पोस्टेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पोस्टेज इतना ही रहेगा ₹25 ही। स्कूटर की बिक्री हो गई, पहले ये स्कूटर ₹320 का हुआ करता था, अब ये 250 का हो गया, बेच करके बेचा गया 250 में ₹70 का नुकसान हो गया,
टू लॉस ऑन स्कूटर, वैसे संपत्तियों की खरीद और बिक्री नहीं आती, लेकिन उनका नुकसान या फायदा वो जरूर आता है। तो स्कूटर को बेच कर 70 रुपये का नुकसान हुआ है, वो डेबिट साइड में यानी एक्सपेंडिचर की ओर आएगा। इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो इनकम का जो अमाउंट है ये वाला अमाउंट कम है और एक्सपेंडिचर का पैसा बहुत ज़्यादा है, तो हमने एक्सपेंडिचर में से इस इनकम को घटा दिया तो 125 रुपये का डेफिसिट आ गया और एक्सपेंडिचर का जो टोटल अमाउंट है वो 4465 रुपये होता है, जबकि इनकम का अमाउंट 4340 रुपये का ही होता है। इस प्रकार से डेफिसिट आया यानी नुकसान आया है। अब हम बनाएंगे पिछले साल की बैलेंस शीट। पिछले साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए पिछले साल की संपत्तियों का होना आवश्यक है। उसमें सबसे पहले यहाँ पर बैंक और कैश का अमाउंट देखते हैं, उसको लिखते हैं, जो कि सबसे पहले आप बैंक और कैश यहाँ देख रहे हैं 455 और 55 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है। यहीं पर इन्वेस्टमेंट भी लिखा है जो कि 30,000 रुपये का है, ये पहले से ही है, उसका ब्याज ये खा रहे हैं, तो इसका मतलब है 30,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एसेट साइड में लिखेंगे। हमने यहाँ पर 2014 लिखा है तो आपको 14 और 15 लिखना होगा, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये डबल ईयर वाला चल गया है। इसका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। अगर 2015 इन्होंने कहा है तो इसका मतलब है 14-15 पिछला साल कहा जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिख दिया है। इसके बाद इनके पास बहुत पहले से स्कूटर भी है, तो स्कूटर भी 320 रुपये का लिखेंगे। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ 14-15 का 120 रुपये, और 14-15 की ये बैलेंस शीट है तो इसमें 120 रुपये का आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी लिखना होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डालने के बाद पिछले साल की जो लायबिलिटी है, जो खर्चों का बकाया है, वो लायबिलिटी साइड में डालेंगे, जो कि आउटस्टैंडिंग रेंट का है और इसके बारे में यहाँ पर स्पेशली लिखा भी है। किराया में 2015 मार्च का 50 रुपये चुकता किराया शामिल है, इसका मतलब है पिछले साल का बकाया है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे एसेट साइड का तो 30,950 आएगा। 30,950 में से 50 रुपये घटा देंगे तो कैपिटल फंड जो कि बैलेंसिंग करके आता है, यहाँ बैलेंसिंग लिखते हैं, तो 30,900 प्राप्त होगा। इस बैलेंस को, कैपिटल के बैलेंस को, बैलेंस शीट के 2015-16 वाले ईयर में यानी करेंट ईयर में ले जाएंगे। लाइबिलिटीज में 30,900 इसी कैपिटल को लिखेंगे, इसमें ये डेफिसिट जो लॉस आया था इसको घटा देंगे। इसको घटाने के बाद 30,775 रुपये आएगा। इस साल की हम लाइबिलिटीज डालेंगे जिसमें आउटस्टैंडिंग रेंट 50 रुपये का लिखेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट 2016 और 15 दोनों साल है, यानी कि पिछले साल वाले में भी लाइबिलिटी में डलेगा और इस साल वाली बैलेंस शीट में लायबिलिटी में डलेगा। इसके बाद 2016-17 का भी यहाँ पे चंदा एडवांस में 200 रुपये प्राप्त हुआ था ये वाला, तो ये वाला आपके करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। तो आउट एडवांस सब्सक्रिप्शन 200 रुपये लिखेंगे। इस साल का जो खर्चों का बकाया है उसमें लेखन सामग्री भी 25 रुपये की है, जो कि यहाँ पर लिखी जाएगी। इस प्रकार से खर्चों का बकाया सब लायबिलिटी साइड में आता है और इनकम का बकाया एसेट्स में जाता है। तो लायबिलिटी साइड का सब कुछ पूरा हो गया, 31,050 इसका टोटल कंप्लीट हो चुका है। जब हम एसेट साइड में डालेंगे यहाँ पर अमाउंट, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट इनके पास पहले से पुरानी बैलेंस शीट में था और अब भी रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बेचने के बारे में कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है। कैश और बैंक इनका पुराना तो ये है, लेकिन नया ये पढ़ा जाएगा जो यहाँ पे लास्ट में लिखा होता है, 12 रुपये और 113 रुपये कैश और बैंक ये लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश बैंक हो गया, प्लान बॉन्ड, यहाँ पर जो भी संपत्तियाँ हैं उनको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे यहाँ लिखेंगे। तो संपत्तियाँ हैं जिसमें साइकिल है 95 रुपये की, 95, प्लान बॉन्ड है 680 का, तो 95 का आपका डलेगा यहाँ पर साइकिल और प्लान बॉन्ड डलेगा 680 का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर चंदे का 15-16 का बकाया है 150 रुपये, उसको लिखेंगे, क्योंकि इनकम का बकाया एसेट साइड में लिखते हैं। इनका जब टोटल करेंगे तो 31,050 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी बैलेंस शीट दोनों तरफ कंप्लीट हो चुकी है।
बैलेंस शीट 2015 16 और 14 और 15 दोनों बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट बनाया गया कैपिटल पता लगाने के लिए। ये तो हमसे पूछा ही गया है, इसको तो बनाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 23 को बहुत ही आसानी से समझ लिया है।